गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने जा रही है और ये एक रेसिपी की वीडियो होने जा रही है। अभी अभी मैं स्कूल से आया हूँ, मैंने अभी अभी कपड़े चेंज कर लिए। तो आज हमारा प्लान बन रहा है गोलगप्पे बनाने का। बड़े ही मज़े के गोलगप्पे बनते हैं और चार भी साथ उसके साथ ही बनाएंगे, बहुत मज़े के बनेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको भी साथ ही दिखाते हैं कैसे बनते हैं गोलगप्पे और चार। आज गोलगप्पे बनाने के लिए हमने तकरीबन आधा किलो आलू बॉईल कर लिए थे। अब इनको छोटा छोटा काट रहे हैं और इस साइड हमने चने भी उबाल के रख लिए। अभी बस ये आलू करते हैं, जैसे फिर उसमें चने वगैरह डाल के मसाला डाल के फिर गोलगप्पे बनाना शुरू करते हैं। तो चार तो साथ साथ बनती रहेगी। सबसे पहले गोलगप्पों के लिए हम दो एग गूंद लेते हैं। ये मेरे पास एक कप सूजी की है, ये डालेंगे इसमें। उसके बाद इसमें दो चम्मच मैदे के जाएंगे, ये दो चम्मच मैदा। उसके बाद इसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा वो ऐड करेंगे। आधा चम्मच इसमें हम नमक भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सूजी ज्यादा इसलिए डालिए ताकि वो जो गोलगप्पे हैं वो थोड़ा क्रंची हो जाए। अगर मैदा ज्यादा डालेंगे ना तो फिर नरम से हो जाते हैं, वो मजा नहीं आता। मिक्स कर दिया, वो ये पानी से लेके इसको गूंद लेंगे। डो हमने गूंद लिया, ये चेक करें कितनी नरम है। इस तरह की होनी चाहिए, अगर ये सख्त होंगे ना तो फिर बनेंगे नहीं सही गोलगप्पे आपके। तो इसको थोड़ी देर अब हम रेस्ट पर रखते हैं और तब तक दूसरी चीज़ें देखते हैं। हमें चने भी डाल लिए थे, अब ये प्याज टमाटर और मिर्ची वगैरह भी इसके अंदर ही शामिल कर देंगे। प्याज आपकी मर्जी, जितना मर्जी जिस तरह छोटा छोटा क्यूब्स में काटे या लंबा लंबा, हमने तो लंबा लंबा काट लिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। उसी मिक्सर के अंदर अभी चाट मसाला डाल देंगे और इससे पहले सोया सॉस भी डाल दिया हमने अंदर ही। बस मैं चार मसाला डाल के अब इसको मिक्स करेंगे। ये रेडी हो चुके हैं। अब आ रही है मीठी चटनी बनाने की। सबसे पहले यहाँ पे हमने आलू बुखारा और इमली डाल लिया एक छोटे से प्याले में। अभी इसके अंदर पानी डाल के इसकी मीठी चटनी बनाते हैं, सारा आपको दिखाते हैं। इसके अंदर पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए रख देना। इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डालेंगे इसको मीठा करने के लिए, बस। और इसको अब रख देंगे। चटनी बना रहे थे इसके अंदर चीनी और आलू बुखारा इमली डाल के, अब इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे ताकि इसके अंदर से सारी चीज़ें इमली खटास वगैरह सब कुछ मिक्स हो जाए। गर्म पानी के अंदर जल्दी मिक्स होती हैं सारी चीज़ें। साथ जो आपको खट्टा पानी मिलता है साथ वो बनाने लगे, इमली के अंदर पानी डालेंगे और इसे आप वैसे ही रख देंगे। कोई इसको गर्म वगैरह नहीं करना। ये दूसरा जो है ये अभी तक गर्म हो रहा है, ये खुद ही गाढ़ा हो जाएगा और ये इसको अभी गर्म नहीं करना, वैसे ही रख देना इसको। सब बनाते रहेंगे। अब सबसे पहले हम गोलगप्पे बना लेते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा काम होता है, बाकी चीज़ें जल्दी बन जाती हैं।
तो इसको इस तरह राउंड शेप में करेंगे। ऐसे करके अब इसके ना इस तरह पीसेस कर लेंगे। मैं काट लिया और काटा नहीं, अभी इसको राउंड शेप में मैंने काट लिया, अब इसको काट लेंगे। ये आपकी मर्जी है कि जितना मर्जी आप काटें, इनको साइड पे रख देंगे। से एक लेंगे, नीचे सब मैदा डस्ट करेंगे। और अब इसको पतला कर लेंगे। घूम लिया इस तरह और इसकी थिकनेस आप देख लें, इतनी होनी चाहिए। तो अब इसको शेप में काटते हैं। किसी भी चीज का आप ढक्कन ले लें और इससे अब इसकी शेप बनाएं। ये अलहदा हो चुकी है, हम इनको साइड पे रखते जाएंगे। और दूसरे भी इसी तरह ही बनाते रहेंगे। कपों भी शेप दे दी है, तो अभी इसको फ्राई करते हैं। फिर गोलगप्पे बनाना शुरू करते हैं। डाल लिया और यहाँ पे साथ साथ ये भी रखे हुए हैं। बस अब ये ऑयल गर्म होने का इंतजार है, जब ये गर्म हो फिर गोलगप्पे बनाते हैं। हो चुके हैं, इसमें एक गोलगप्पा डाल के चेक करते हैं। इसको डुबकियाँ लगवाएंगे अंदर। ये चेक करें, फूल चुका बिल्कुल चार हो चुके हैं, ऐसा ही आप सब देख सकते हैं। और ये चेक करें कितने क्रंची चार हुए। ये चेक करें, अब इनको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर ये आलू की फिलिंग डालेंगे। आलू वगैरह डाल लिए, इसके ऊपर दही डालते हैं। उसके बाद इसके ऊपर मीठी चटनी।
डाल लिया, उसके बाद चार मसाला डालते हैं इसको स्पाइसी करने के लिए। मैं तो स्पाइसी चीजें खाता हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा डालूंगा। सारा हम इसको ट्राई करते हैं खट्टी चटनी के अंदर। क्या मजा ऊपर से खट्टी चटनी। बहुत मजे के बने, आप रेसिपी घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करना। आपने मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।